आज जे संदेश मुझे यही जो पिछला वीक गुजरा है, जो 10 तारीख की हमारा बड़ा मीटिंग था, उससे पहले एक दिन 9 तारीख को जब हम लोग ग्राउंड में काम कर रहे थे, तैयारी करवा रहे थे, तब मुझे प्रार्थना करवाने का थोड़ा समय मिला। हमारी पूरी टीम वहां पर थी, कम से कम 50-60 लोग। हम सब प्रार्थना में गए और आराधना को लीड किया, तब परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया कि आज लोग जो हैं मेरी अधीनगी से बाहर निकल चुके हैं। लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर की अधीनगी में हूं, लेकिन असल में वो परमेश्वर की अधीनगी से बाहर जा चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, यहोवा है, लेकिन उनके जीवन में उसका भय खत्म हो गया, उसका डर खत्म हो गया। उनको ऐसा महसूस है, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, आराधना करने वाला हूं, और मेरी प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता है, उसका उत्तर देता है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में रहना नहीं चाहता। प्रार्थना तो परमेश्वर चोरों की भी सुनता है, डाकुओं की भी सुनता है, लुटेरों की भी सुनता है, और गलत काम करने वालों की भी सुनता है। क्योंकि जब वो कहीं फंसते हैं तो वो किसको पुकारते हैं? वो परमेश्वर को ही पुकारते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, कौन परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रह पाएगा? सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं रह पाएंगे। जब वो न्याय करने के लिए अपना हाथ उठाएगा, अरबों लोग जो है उसके हाथ से डर के बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि उसका हाथ ऐसा सामर्थी है, ऐसा ताकतवर है कि वो लाल समंदर दो भाग करने की ताकत रखता है। उसके हाथ में ऐसी शक्ति है, इसकी ताकत है, इतनी सामर्थ है कि वो हवा को थमाता है और उठने वाली लहरों को शांत कर देता है। तो कोई उसके न्याय वाले हाथ के सामने अधीनता में खड़ा नहीं रह पाएगा। और वाणी जी कहती है कि जब कोई उसकी अधीनताई में खड़ा ही नहीं रह पाएगा, फिर कैसे वो परमेश्वर की निकटता में आकर ये कह सकता है कि मैं उसके वचन की पालना करता हूं? क्योंकि अगर वचन की पालना करेंगे तो हम न्याय से कभी डरेंगे नहीं। न्याय से कौन डरता है? जिसने गलत काम किया होता है, या जिसने कुछ बुरा किया होता है। जो व्यक्ति बुरा नहीं करता है वो डरता है किसी से? ना जज से, ना वकील से, ना एसएसपी से, ना डीसी से, ना किसी और से, क्योंकि उसका मालूम है मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो अपनी सफाई देता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप मेरे ऊपर बेवजह आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो चोर होता है वो तो पुलिस को देख करके, अधिकारियों को देख करके रास्ता क्या करता है? बदल लेता है। बोलो हालेलुया। और जब जब वो अपना रास्ता बदल लेता है तो आपको लगता है कि वो बंदा न्याय से भाग रहा है, वो कानून की अधीनता में नहीं है, वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। लेकिन बाइबल साफ कहती है, अगर आप परमेश्वर की अधीनता में है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको कहता है मत डर, मैं तेरे अंग और तेरे संग हूं। बट किन से कहता है वो? वो उनसे कहता है जो उसकी अधीनता में रहते हैं। जो उसकी अधीनता से बाहर है वो कभी भी उनको ये बात नहीं बोलता है। निकाले मेरे साथ भजन संहिता 78 उसकी 72 आयत, और दूसरा निकाले निर्गमन की पुस्तक कूच की किताब उसका 3 अध्याय
एक से छह, पहले बजस गीता पढ़ेंगे, जबूर पढ़ेंगे, पहले जल्दी से पढ़ो जिसको मिल गया। लिखा गया उसने अपने मन की सच्चाई के साथ उन्हें चराया, उनकी अगुवाई की। किसने? एक चरवाहे ने, परमेश्वर ने। दुनिया में सबसे सच्चा चरवाहा कौन है? प्रभु। सब बोलो हालेलुया। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। ओके, उसने बोला अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? जान भी देता है। बोलो हालेलुया। जब अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे सकता है, जान देता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो बैड चरवाहा नहीं है, बुरा चरवाहा नहीं है, वो अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की अगवाई कर रहा है, उनकी चरवाही कर रहा है, उन्हें अच्छी हरे हरे घास वाले स्थानों में लेकर जाता है, मैदान में लेकर जाता है, उनको सुखदायक झरनों के पास ले जाकर के उनके मन को शांत देता है। और जब वो उसे देखती है उनके अंदर क्या आता है? उनके जी में जी ढाल जाता है, क्योंकि वो अपने आप को अकेले निराश समझते हैं। और बाइबल कहती है जब मेरा और आपका खुदा, जिसकी मैं और आप उपासना करते हैं, उसके बारे में दाऊद कह रहा है उसने मन की सच्चाई से क्या किया? हमारी चरवाही की है। आगे अति अपने हाथों दे गुण नाल, बल्कि उसके अंदर जो गुण है, जो अच्छी बातें, जो गिफ्ट है, क्या किया उसने? उनके साथ उनकी अगुवाई की है। चरवाही अगुवाई दोनों बातें अधीनगी को दर्शाती हैं। आज दुनिया के अंदर भीड़ों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या करने के लिए? वर्शिप करने के लिए। क्या करने के लिए? आराधना करने के लिए। किसकी आराधना करते हैं वो लोग? जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, जीवित परमेश्वर की बातें सुनने के लिए आते हैं, जीवित परमेश्वर के मुख की बातों पर ध्यान करने के लिए आते हैं। बट क्या वो रियलिटी में, रियलता में वो परमेश्वर की बातें सुनते हैं या अपने मकसद, अपने कामों को पूरा करवाने के लिए आते हैं? बाइबल साफ करती है, बाइबल साफ कहती है जब मुझे और आपको नीड है, जरूरत है अपने परमेश्वर की, तब हम उसकी ओर दौड़े आते हैं। जब हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, हम उसको पीछे छोड़ करके हम पीछे की ओर भागना शुरू करते हैं। कहते नहीं, अब तो दुआ हो गई, अब तो प्रार्थना हो गई, अब सब कुछ हो गया, अब क्या जरूरत पड़ी है? लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर की जरूरत हमें हर एक अपनी सांस लेने के समय पड़ती है। हालेलुया। विदाउट गॉड्स वर्शिप, बिना परमेश्वर की आराधना के इंसान डेड है, इंसान मुर्दा है, वो मिट्टी है, मिट्टी में दफन है। लेकिन परमेश्वर जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर बातें करता है, जो सांस को फूंकता है, उसी ने मिट्टी को, मुर्दा को जीवित प्राणी बनाया है। इसलिए परमेश्वर से मतलब निकाल के मत भागो, परमेश्वर से मतलब लेके मत दौड़ो, क्योंकि परमेश्वर के बिना आप एक सांस नहीं ले सकते। हालेलुया। आपकी धड़कन रुक सकती है, आपका शरीर डल हो सकता है, लेकिन यदि आप चाहते कि मैं ऑलवेज अपने परमेश्वर की, अपने यहोवा की आराधना करूं, वर्शिप करूं, तो मुझे और आपको समझना है कि वो परमेश्वर चाहता क्या है हमसे, वो चाहता क्या हमसे। और वाणी कहती है, बाइबल कहती है, वो कहता है उसने मन की सच्चाई से हमारी क्या किया है? चरवाही। फिर वो कहता है उसने अपने गुणों के साथ हमारी अगुवाई की है। ऐसा खुदा मिलेगा, ऐसा परमेश्वर मिलेगा जो आपकी चरवाही करता है, जो आपको किसी बात की कमी नहीं आने देता, जो किसी आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देता, वो हर चीजें जो आपको चाहिए आपके मांगने से पहले आपके लिए मुहैया कर देता है। वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो छोड़ने वाला, त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है।
एक मां भूल सकती है, एक बाप बोल सकता है, भाई बहन बच्चे सब छोड़ सकते हैं, पर जीसस कहते मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। आज क्या हो रहा है हमारे जीवन के अंदर, हमें चीजों का मूल्य तो पता है लेकिन जीसस के लहू के मूल्य का नहीं पता है। हमें अपने घर की कीमत पता है, मेरे घर की कीमत कितनी है, 2 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 60 हजार कितनी है वो मालूम है, बट जीसस ने मेरे लिए क्या किया मैं उसकी बात का कुछ भी मूल्य का पता नहीं है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, तेरा लाइफ सही चल रहा है पिता, फोटो अप एंड डाउन की कर रहे हैं, और वचन कहता है जब वो कहता है वो हमें खाक से उठाकर पतवंतों में है ना ऊंचे स्थानों में बिठाने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। जे मत सोचिए कि जो आज मैं हूं वो शायद मैं अपने बलबूते पे हूं, अपनी काबिलता से हूं, नो, बाइबल पहले कह चुकी है परमेश्वर ने आपको खाक से उठा करके कहां बिठाया है, ऊंचे स्थानों पर बिठाया है। और अगर परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थानों में बिठा दिया है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, आप अपने आप में अपने आप को धोखे में ना रखो। ये मत कहो कि परमेश्वर हाँ मैंने जो लेना था ले लिया, अब मुझे आवश्यकता नहीं। नहीं, आपको हर दिन हर घड़ी उसकी जरूरत पड़ने वाली है। बोल हालेलुया। जरूरत पड़ने वाली है, जरूरत पड़ेगी, जरूरत है। और जहां लिखा हुआ है वो कहता है कि उसने अपने गुणों से, हमारा परमेश्वर गुणों से बड़ा हुआ है। हालेलुया। वो गुणवत परमेश्वर है, वो इतने गिफ्ट उसके अंदर है, इसने वरदान उसके अंदर है, आप लेते थक जाओगे, वो देता कभी थकता नहीं है। आप प्राप्त करते थक जाओगे पर वो देता थकेगा नहीं है। आप कहोगे बस बस खुदा बहुत हो गया बहुत हो गया, लेकिन वो कहेगा अभी कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें थोड़ी देर बाद फिर इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। बोला हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर को याद करो, वो आपके साथ है हर समय, उसकी अधीनताई में रहोगे, कभी पाप के अंदर जाकर के गिर नहीं जाओगे। निकाले मेरे साथ निर्गमन 3:1 से, हम सारी आयतें नहीं पढ़ पाएंगे, आपको घर में पढ़ने के लिए मैंने लिखवा दी 3:6 कूच की किताब 3:6 लिखा, मूसा अपने ससुर मित्रों मिद्यानी के घर में रहा और उसकी भेड़ बकरियां चुराने लगा। हाँ, उसने क्या किया, अब परमेश्वर की अधीनताई को छोड़कर, क्या करकर, अधीनताई को, उसकी अगुवाई को छोड़कर कहां गया, वो एक अलग रास्ता चुन लिया। बोला जो रास्ता परमेश्वर का है वो थोड़ा बहुत सख्त है, बहुत क्या है, सख्त है। आपको पता परमेश्वर सख्त सभा का है, कौन है परमेश्वर, सब बोलो, सख्त सभा वाला परमेश्वर है। वो मन का थोड़ा नरम है कि आपसे रोना शुरू कर देगा। यीशु मसीह केवल एक मुर्दे के लिए रोया, कहां रोया, एक मुर्दे के लिए रोया, बाकी भी लोग मरे वहां रोया नहीं है। क्या कारण था, वो सख्त मन है। उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो एक नौकर एक मालिक की कहानी में दृष्टांत में कहा गया है, मैं जानता था मेरा मालिक सख्त दिल का है, वो जहां नहीं पीसता वहां से काटता है, जहां नहीं डालता वहां से इकट्ठा करता है, जिसको नहीं देता उससे छीन लेता है, इसलिए मैं डर गया था। डर रखना परमेश्वर का, जितना वो नरम है उतना वो क्या है, बोलो, जितना वो नरम है उतना क्या है, वो सख्त भी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मेरी जान बच जाए, मेरा शरीर बच जाए, मेरा लाइफ बच जाए, तो क्या करना आपको, सख्त परमेश्वर के सामने अपने आप को नरम करना होगा। क्या करना होगा, बोलो, लोहा ना, लोहा जब गर्म ना हो ठंडा हो उसे बेंड करना बहुत मुश्किल होता है, सही है।
जैसे ही उसको गर्म कर दो क्या होगा, आप जैसे मर्जी उसको रोल कर लो, जो मर्जी कर लो कि वो गर्म हो चुका है। परमेश्वर के सामने अगर आप नरम हो जाओगे, वो आपको अपने तरीके से बनाना और ब्लेस करना शुरू कर देगा, अपने तरीके से। हालेलुया, अपने तरीके से चलाना शुरू कर देगा वो। शायद लगता होगा नहीं नहीं नहीं, जो मैं चाहता हूं वही हो, आप जो मांगते हैं परमेश्वर वो भी देना चाहता है, लेकिन कई बार जो प्रभु से आप मांगते हैं वो आपके लिए हानिकारक होता है। प्रभु कहता है नहीं नहीं, तेरे लिए हानिकारक है, लेकिन विश्वासी वहां अड़ते हैं, मुझे यही चाहिए, मुझे मैंने यही प्राप्त करना है। एक बार एक भाई को एक मसीह भाई ने बोला, यार ऐसा करना तुम ना सफर कर रहे हो। बोला हाँ जी। बोला अभी जो बस जाएगी इसमें मत बैठना, अभी जो बस जाएगी इसमें मत बैठना, इसके पीछे वाली बस में बैठ जाना। उसने बोला क्या कह रहे यार, पूरी बस खाली पड़ी है, 10 लोग बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी सीटें हैं, मैं आराम से बैठ के जा सकता हूं। उसने बोला तेरी मर्जी, लेकिन मुझे लगता है कि तू इस बस में ना जा, अगली बस में जा। बोला मैं देरी से हूं, मैं लेट हो जाऊंगा। वो अपनी बात बता रहा था, लेकिन क्या हुआ, वो बस से बैठा, वो बंदा वहां से निकल गया जिसने उसको बोला, वो चला गया, दिखा नहीं बाद में कहां गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद बस लेट हो गई, बस क्या हो गई, लेट हो गई। वो नीचे उतर गया, जैसे उतरा बस चल पड़ी, ये दौड़ा पीछे लेकिन बस उसके हाथ में नहीं आई, वो सेकंड बस में बैठा। जब आगे गया मार्ग के आधे रास्ते में, जब वो बस उसके पास पहुंची, आगे जाके बड़ा भयंकर एक एक्सीडेंट हुआ, जितने लोग उसमें थे सबके सब मर गए थे, सबके सब नाश हो गए थे, लेकिन ये बच गया। तब याद आया वो जो बंदा था मुझे रोक रहा था, वो कोई आम नहीं था, वो कोई ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, इसीलिए उसने मुझे बचाने के लिए मुझे इस बात से नीचे उतार दिया। कई बार हम कहते नहीं, मुझे जल्दी से यह चीज मिल जाए, धक्के से आप प्राप्त करोगे आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करना चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूं पैसा वेस्ट करने से परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए। कई बार जल्दी हम कहते हैं मैं ये बिजनेस शुरू कर लूं, वो बिजनेस शुरू करते करते आप पैसा लगाते हो लेकिन बाद में लॉस होता है, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं होती, उस बिजनेस के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं होती है, कोई जानकारी होती है, वो नुकसान होता है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर आपको नुकसान देना नहीं चाहता। मूसा अच्छा भला परमेश्वर के साथ काम करने को रेडी हो गया था, लेकिन थोड़ा सा डर लगा, फिरौन के सामने जाना होगा। अरे फिरौन के सामने जाएंगे, वो फिरौन जिसने पूरी इसराइल को गुलाम किया है, मैं तक उससे बात करूं लड़ू, हो नहीं सकता। वो वहां से भाग गया, लेकिन अपने बाप अपने ससुर जित्रो के घर में गया, उसकी भेड़ बकरी चराने लगा। भेड़ बकरियां चराते चराते क्या हुआ मालूम, एक दिन वो अपने इज्जत को लेकर उजाड़ में जंगल में गया और उसने आगे को धकेल दिया। आगे गया सेंटर में एक उसे झाड़ी दिखी जिससे आग की लपटें निकल रही थी। आप कहीं भी भाग लो उसको छोड़कर, वो आपको छोड़ेगा नहीं। आमेन, हालेलुया। आप भाग जाओ छोड़ करके, लेकिन वो आपको भागने छोड़ने वाला नहीं है। रीजन क्या है, कारण क्या है, क्योंकि वो आपको याद लाता है मैंने तेरे लिए कुछ किया है। बोला हालेलुया। अधीनगी से बाहर निकल गया, आज्ञा से बाहर निकल गया। अब जाड़ी दिखी, मन में आया जाके देखता हूं जाड़ी से आग निकल रही है, कोई वहां पर है, जब मैं जाकर के आग की थोड़ी सी तपस ले लूं। वो आगे बढ़ा, आग थी लेकिन पत्ते नहीं जल रहे थे, टाणियां नहीं जल रही थी, वो दरख्त वो झाड़ी के अंदर कुछ भी धुआं नहीं था, कुछ भी आग नहीं थी, लेकिन उसके अंदर से आग बाहर निकल रही थी। जे हमारे परमेश्वर की पावर है, सामर्थ है, लकड़ियां नहीं जलेंगी, पत्ते नहीं सूखेंगे ना जलेंगे, लेकिन आपको वो आग दिखाएगा, आपको चमत्कार दिखाएगा। हालेलुया, क्योंकि आप उसकी अधीनगी से बाहर जा रहे हो,
आप उसकी वाचा को तोड़ रहे हो, आप उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हो, वो आपको वापस लाना चाहता है। हालेलुया। आज कोई व्यक्ति भी एक दूसरे की अधीनताई में चलना नहीं चाहता। विश्वासियों में लीडर कोई है तो कहते यार जय लीडर क्यों है, मैं लीडर होने गया था। अरे भैया जब तेरे अंदर क्वालिटी आएगी तू भी लीडर बन सकता है। वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। जब तक कोई इंतजार नहीं करता है तब तक प्राप्त नहीं होता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बादलों पर उठाए जाने के समय अपने चेलों को बोला जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ, हालेलुया, जरूसलम को नहीं छोड़ना है। वो 40 दिन हुए थे, 10 दिन का बड़ा लंबा एक प्रार्थना का विषय दिया था प्रभु यीशु मसीह ने। कितने का? 10 दिन का। वहां से निकलना इन रूम से, तुम बंद कर दे कमरे में, अब 10 दिन कमरे में रहोगे, जब तक मैं न कहूंगा इस कमरे से बाहर मत आना। एक दिन गया, दो दिन गए, कुछ नहीं हुआ। कुछ कहते नहीं यार निकल जाए बाहर, क्या पता क्या होने वाला, सामर्थ्य मिलनी कि नहीं मिलनी, शक्ति मिलनी ना नहीं मिलनी, हमें तो पता नहीं है। वो तो कह के चला गया, आप पता नहीं उसकी बातों में सच्चाई है या नहीं है, चलो बाहर निकलो। फिर पत्रस कहता था, यूहन्ना कहता था, अरे भाई धीरज रखो, वो परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है, उसने कब्र को फाड़ दिया है, उसने सलीब पर अपना लहू बहाया है, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, तुम क्यों डर रहे हो, इंतजार करो, दो दिन गए हैं, 8 दिन बाकी है, अगर तुम इंतजार कर लोगे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक अभिषेक आएगा, तुम सामर्थ्य से भरोगे और पूरे संसार के कोने कोने में तुम मेरे गवाह बन जाओगे। एक बंदा दीनताई में रहा वहां पर, दो बंदे रहे होंगे, बाकी सबका मन टेढ़ा मेरा यार क्या करें, भूखे हैं प्यासे हैं, कोई पानी नहीं, बाहर नहीं जा सकते, हवा नहीं ले सकते, जे वो बहुत बातें आती होंगी। आज भी क्रिश्चियन होता है, यार मैं चर्च में जा रहा हूँ, मेरी बात कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, मैं क्यों जा रहा हूँ, चलो मैं चर्च छोड़ देता हूँ और बदल लेता हूँ। जिंदगी नहीं बदली है इसलिए चर्च बदलना पड़ रहा है, स्वभाव नहीं बदला इसलिए चर्च बदलना पड़ रहा है, करैक्टर नहीं बदला इसलिए चर्च बदलना पड़ रहा है। और यही वचन कह रहा है कि परमेश्वर की अधीनगी से बाहर जाओगे तो शैतान आपका शिकार करने के लिए प्रिपेयर करके जाल बना के बैठा हुआ है। अगर आपको शक है तो आप याद करें, जब काइन ने हाबिल को मार दिया, किसको मार दिया? अच्छा क्यों मारा हाबिल को? क्योंकि तो परमेश्वर ने उसके बलिदान को पसंद नहीं किया। अच्छा क्यों पसंद नहीं किया? वो भी तो आदम का बेटा था, उसने भी तो अपनी फसल का हिस्सा लेके आया था, बट क्यों उसको पसंद नहीं किया गया, उसको ग्रहण नहीं किया गया? कारण क्या था? करैक्टर सही नहीं था। क्या नहीं सही था? करैक्टर, चरित्र सही नहीं था। गुस्से में रहने वाला बंदा था वो, जो गुस्से में रहता है वो ही शैतान के कंट्रोल में आता है। हाबिल को मारने के बाद क्या बोला? हे काइन, देख तेरे भाई हाबिल का लहू मुझसे न्याय मांग रहा है, तेरा भाई कहां पे है? उसने बोला क्या मैं चौकीदार हूं अपने भाई का? मुझे क्या पता कहां गया है? कहीं होगा खेतों में होगा, अपनी भेड़ बकरी चारता होगा, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। लड़ाई कहां से आई? खून कहां से आया? झगड़ा कहां शुरू हुआ? काइन से शुरू हुआ। कौन है संसार का सबसे पहला मर्डर? किसने, कौन है सबसे पहला कातिल संसार में? सबसे पहला कातिल तो काइन है। कौन है वो? काइन है। किसका बेटा? आदम का बेटा। उसने किसे मारा? अपने भाई को मारा, और उसके हाथ खून से रंग गए। संसार में सबसे पहला किसान कौन है? काइन। उसने पहले खेतीबाड़ी की, लेकिन उसकी खेती को जो अच्छी चीजें थी उसने अपने रखी, जो बुरी चीजें थी, जो कंडम थी, वो परमेश्वर को लाके दे दी। आज भी ऐसा होता है ना, जो चीजें बेकार है वो किसके लिए है? बताओ वो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। सबसे फटा पुराना नोट किसका है? और जो बिल्कुल टन टन करता हो किसको देना है? सगन में डालना है वो, ताकि देखे कि इसने बिल्कुल नया नोट डाला है और बड़ा डाला है।
हम वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि हम परमेश्वर को कंडम चीजें देते हैं। पीछे किसी ने मुझे कॉल की, पास्टर जी मैंने सेवा शुरू करनी है। मैं बोला ओके ठीक है करो, लेकिन मैं अपाहज हूं। मैंने बोला परमेश्वर ने बोला जो उसके लिए निकालो वो बज रहत हो, ले फालक हो, बज रहत हो, उसमें कोई बज नहीं होना, ना वो काना, ना गूंगा, ना बहरा, ना लंगड़ा, ना लूला, वो परफेक्ट होना चाहिए। वो क्या हो? परफेक्ट होना चाहिए। जब परफेक्ट चीज परमेश्वर आपको देता है तो आपने क्या देना है प्रभु को? बोलो परफेक्ट ही देना चाहिए। बोलो हालेलुया। इंतजार नहीं कर पाते लोग, इसीलिए लोग परेशान है, इसी लोग निराशा में। बाणी कहती है उन्होंने इंतजार किया, दसवां दिन आया, लिखा आंधी के समान। कैसे? एक तेज हवा चली, सबकी जबाने फटने लगी, उनकी भाषा बदलने लगी, वो तालियों से भर गए, वो आत्मा से भर गए, अन्य भाषा से भर गए, सामर्थ से भर गए। तब उनमें से पत्रस खड़ा हुआ, उसने प्रचार करना शुरू किया, द्वार खुल गया। मालूम क्या हो गया? उस घर के चारों ओर लोग खिड़कियों के अंदर झांक रहे थे, यार अंदर क्या हो गया, ये अंदर से आग क्यों दिख रही है, इतनी आवाज क्यों आ रही है, ये लोग कौन है, इनकी भाषा क्या हो गई है, ये क्या बोल, समझ में नहीं आ रहा है। जितने लोग आसपास इकट्ठे हुए उनके लिए पत्रस ने प्रचार किया और 5,000 लोगों ने एक दिन में तौबा कर लिया। बोलो हालेलुया। एक दिन में तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया। क्यों? क्योंकि इंतजार किया, परमेश्वर की अधीनताई में चले। आज कितने लोग परमेश्वर की अधीनताई से बाहर है, क्योंकि उनको मालूम लगता है कि शायद नो आई एम द बेस्ट, मैं ही सब कुछ अच्छा हूं, दूसरा कोई अच्छा नहीं है। नो, आप इस संसार में बेस्ट सिर्फ जीसस ही है। हम तो सारे के सारे, अगर हमारे अंदर 4 बातें अच्छी हैं तो 20 बुरी भी हो सकती हैं। अगर हमारी एक आंख सही देखती है दूसरी गलत भी देख सकती होगी। अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं किसी के लिए बुरा भी सोचते होंगे। ये हमारे अंदर एक स्वभाव डाल दिया गया है। और वचन कहता है कि उसने जब वो बेड़े चाड़ रहा था, जाड़ी देखी, जब वो सामने आया देखा अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना तो लकड़ियां जल रही हैं, ना पत्ते जल रहे, ना घास चल रही है। मैं पीछे से देखता हूं कि पीछे क्या हो रहा है। जैसे ही वो घूमा, बाइबल कहती है घूमते सार एक आवाज सुनी, मूसा अपनी चप्पल उतार, ओके जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। जो अन आज्ञाकारी है परमेश्वर उन्हें पवित्र स्थान में आने नहीं दे देता। जो अन आज्ञाकारी, जो आज्ञा से बाहर रहते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी अधीनताई में, परमेश्वर कभी भी उन्हें अपने पवित्र स्थान में खड़ा नहीं रहने देता है। मालूम क्यों? कारण है, उसके कारण है। कारण यह है कि कोई व्यक्ति जो अपवित्रताई में जीवन जीता है परमेश्वर उसे कभी भी लायक नहीं करता है। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारा बुलाने वाला वफादार है, तुम भी क्या बनो? वफादार बनो। हालेलुया। तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। हम बन नहीं पाते, हमारी लाइफ ही ऐसी हो चुकी है। हम चाहते हैं यार नो नो नो, मुझे संसार को भी खुश करना है, प्रभु को भी खुश करना है। बाइबल कहती है अगर तुम आत्मा के चलाए चलोगे तुम शरीर की अभिलाषाओं को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। बोला गया अपनी चप्पल उतार दे, ओके जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, और तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, तू इसके योग्य नहीं है कि मेरे पवित्र स्थान में आकर खड़ा रह पाए। अजीजो प्रियो, परमेश्वर की अधीनगी में चलना शुरू करो। हर दिन सुबह शाम दोपहर उसकी अधीनगी में रहना शुरू करो। जब आप उसकी अधीनगी में रहना शुरू करोगे तभी परमेश्वर आपको निराशा में नहीं छोड़ेगा, कभी आपको निराशा में नहीं छोड़ेगा, कभी आपको उदासीनता में नहीं छोड़ेगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी आपको परेशान नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसे मालूम है आपको चाहिए क्या, आप चाहते क्या हो उससे। जो आप चाहते हैं वो आपको मुहैया करवाने वाला परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है। पढ़िए पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, उसका 5:2।
दूसरा सैमुअल 5:2, किसी के पास हिंदी है तो हिंदी में थोड़ा पढ़ें, काफी कुछ चेंज होगा उस पंजाबी में। फिर भूतकाल में जब सौल हमारा क्या था, राजा था, तब भी इसराइल का क्या था, अगुवा वही था। यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा कर, हाँ, प्रधान तू ही होगा। जो सौल है जो अपने बाप की खोई हुई गदियों को ढूंढने जा रहा था, क्या कर रहा था, वो गदियों को ढूंढने जा रहा था, ढूंढता तो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कहीं नहीं मिल रही। ऊपर से परमेश्वर देख रहा है, कुछ कुछ चीजें उसके अंदर अच्छी थी। एक उसके अंदर जे गुण था कि वो अपने माता पिता का आज्ञाकार था। सब बोलो क्या था वो माता पिता का, सारे बच्चे बोलो क्या था वो, किसका, अपने मींस अपने पिता की अधीनगी करने वाला था वो, अपने माता की अधीनगी करने वाला था वो, जो आज बच्चों में नहीं है, आज की जनरेशन में बिल्कुल निल है, वो जीरो नंबर पे। आप देख ले, बच्चे मां बाप की चीजों पे ऐश करते हैं, लेकिन जब वो कमाते हैं 5 देख करके भी, 500 देख करके भी, आपको 50 बार कहते हैं मैंने आपको 500 रुपया दिया था ना, वो कहां गया, क्यों बोला, क्योंकि उनको वो भूल जाते सब कुछ। लेकिन सौल में गुण था कि उसने अपने बाप को जय नहीं कहा, अरे गुम हो गई तो क्या करेंगे, आप कहां से मिलेगी, 10 रुपए खर्च करेंगे और बहुत कठी कर लेंगे। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं तेरी खोई हुई गदियों को ढूंढ कर ले आऊंगा। वो घर से बाहर निकल गया, जब गया वो ढूंढ रहा था इधर उधर, तो परमेश्वर का देखा, पहले देखा वो अधीनगी में चलता है, दूसरा कहा वो खोए हुओं को ढूंढना जानता है। क्या करता है वो, खोए हुओं को ढूंढना जानता है। आज ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, खोए हुओं को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ आने वाला विश्वासी आज चर्च में नहीं आ रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है, वो आपकी है। उसे पूछे व्हाट हैपन, व्हाई यू आर नॉट कम, आप क्यों साथ में नहीं आ रहे हो। कोई बंदा चंगा होकर, कोई बंदा आशीष लेकर, कोई बंदा तरक्की पाकर अगर चर्च को छोड़ के जा रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है उसे कान से पकड़ के वापस लेके आना, क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत कुछ लेके चुरा रहा है और एक दिन सब कुछ शैतान उसका चुरा के ले जाएगा। ओके, मैं अभी आगे आ रहा हूं, अब बताऊंगा कैसे चुराएगा। सौल को पकड़ लिया गया, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी, एक आज्ञाकारी, दूसरा खोए हुओं को ढूंढने वाला। लिखा परमेश्वर ने बोला सैमुअल उठ चल, इस बंदे को पकड़, इसके ऊपर मसा कर, जे इसराइल का क्या होगा, प्रधान राजा होगा। जे पहला राजा था इसराइल का, ध्यान को सुनना, कभी पूछता हूं कि पहला राजा कौन था, पता नहीं कौन था पहला राजा, कौन था, सौल, सौल था। सैमुअल पहला भविष्यवक्ता था जिसने राजाओं का अभिषेक किया था। और बाइबल कहती है जब हम आगे पढ़ते हैं, लिया गया जब वो बड़ा हो गया, राजा बन गया, उसकी अधीनताई में लोग आ गए, प्रजा में आ गया, अब वो चेयर लगा के बैठ गया और बैठता है, आई एम द किंग, मैं राजा हूं। कौन है सैमुअल, कौन है परमेश्वर, मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं क्या हूं, राजा हूं। था प्रभु ने बोला मैंने सऊल को राजा बनाकर बहुत गलत किया, उसकी गदियां मिल गई, खोए हुए जानवर मिल गए, लेकिन क्या हुआ, राजा बन गया, अब घमंड में आ गया, मेरे पास क्या है, बहुत कुछ हो गया, अब मुझे परमेश्वर चाहिए, अब मुझे सैमुअल भी नहीं चाहिए। उसने वो काम करना शुरू कर दिया जो काम उसके करने के योग्य नहीं था। होगी ना जिंदगी खत्म, किसकी, परमेश्वर की भी होगी और उसके नबी की भी खत्म हो गई। आज यही हो रहा है संसार के अंदर,
हर बंदा अपने चरवाहे की अधीनगी से बाहर जा रहा है, हर बंदा अपने नबी की अधीनगी से बाहर जा रहा है। कारण क्या है? उनकी गलती नहीं है, बाइबल में ऐसा होता आया है और वही बीज आज मसीहों के अंदर बोया गया है और वही आज उग रहा है। लेकिन कंडीशन क्या होती है बाद में, हालात क्या होते हैं बाद में? हालात इस प्रकार होते हैं, जब साउल ने परमेश्वर की अधीनता को छोड़कर अपनी मर्जी से चलना चाहा, तभी बाइबल कहती है उसी दिनों में, उन्हीं दिनों में एक घटना घटती है। साउल ने जो काम नहीं करना था वो काम सैमुअल ने करना था, सैमुअल नहीं पहुंच पाया, साउल ने कर दिया, परमेश्वर ने उसके ऊपर से मसा, अपना मसा क्या किया, वापस ले लिया। अब उसके ऊपर से मसा चला गया और क्या किया, यहोवा की ओर से उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा छोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? दुष्ट आत्मा छोड़ दिया गया। पहले क्या था जे, बोलो राजा, अब भी क्या है जे, राजा। लेकिन जब राजा बनाया गया तब क्या था, अभिषेक। अब क्या आ गया, दुष्ट आत्मा। परमेश्वर की अधीनगी से बाहर मत जाओ, खुदा के दासों की अधीनगी से बाहर मत जाओ। दुष्ट आत्मा खुदा छोड़ेगा, कोई बाहर का बंदा नहीं छोड़ेगा। फिर आप कहोगे ना, मेरे ऊपर किसने मुठ चला दी, मेरे ऊपर के जादू कर दिया, टूना कर दिया। टूना किसने किया? उसने भेज दिया है, उसने भेज दिया है। जो दिया है सब वापस लेगा वो। मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको, बाइबल लिखा हुआ है, वचन में सब लिखा हुआ है। वचन ऐसी चीज, ये बाइबल लिखने वाले बंदे आम थोड़ी थे, आम नहीं थे, जे बहुत मसा पाए हुए बंदे थे। क्या थे जे? बहुत मसा पाए हुए बंदे। जे बंदे वो थे जिनके मुंह से आंख निकलती थी, एलिया जैसे बंदे, अलीसा जैसे बंदे, मूसा जैसे बंदे, जिन्होंने लाल समंदर को बोला, लाल समंदर दो भाग हो जा, दो भाग होता था, जिनकी प्रार्थना से खारा पानी मीठा होता था, जिनकी प्रार्थना से आकाश से मन्ना गिरता था, आकाश से बटेरे गिरते थे, जिनकी प्रार्थना से रात के समय खंबा आग बनता था, दिन में आसमान नीला होता था ताकि लोग चलते जाएं, जिनकी प्रार्थना के द्वारा 40 साल तक इसराइल के, उनकी प्रजा के, उनके लोगों के वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनके जूते घिसे नहीं, और वो उनकी अगुवाई करते चले गए। बोला हालेलुया। 40 साल तक जंगल में परमेश्वर की अगुवाई में रहा मूसा, इसराइल रहा, उन्हें किसी बात की कमी उसने आने नहीं दी। कारण क्या था? वो एक बार भाग गया, जब वापस आया था वो भागा नहीं, लेकिन उसकी एक गलती ने मालूम क्या किया, उसकी एक गलती ने इतना गड़बड़ कर दिया। बाइबल कहती है उस व्यक्ति की एक गलती ने उसे कनान देश में जाने से रोक दिया। बोला हालेलुया। क्या लिखा, आगे पढ़े पढ़े। हाँ हाँ, प्रधान चरवाहा, प्रधान तू प्रधान होगा। और दाऊद राजा ने उनके साथ हिब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। सुने, जब साउल से आत्मा उठ गया, दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गया, फिर कौन राजा बन गया? बोलो, फिर कौन राजा बन गया? दाऊद राजा बन गया। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास बंदों की थोड़ी कमी है, है कमी बंदों की? कभी भी नहीं कमी उसके पास। अगर ये कहता ना मैं नहीं काम करूंगा, 50 खुदा खड़े करता है, 50 कहता तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, कितने खड़े करता। मालूम क्यों? क्योंकि उसको, उसने बंदे बनाए हुए हैं, टैलेंट वाले है ना, उनके पास बुद्धि है, उनके पास दिमाग है, उनके पास समझ है, उनको चुन लेता है वो। उसे सब पता है कब क्या करना, कब क्या नहीं करना है। तो पक्के चलाओ यार, ऑन करो पक्के, अभी तो मैं गर्म हुआ। बोलो हालेलुया। थोड़ा खून ज्यादा पैदा करो। बोलो हालेलुया। जिनके अंदर कम खून होता है ठंड उनको लगती है,
प्रेज द लॉर्ड। और लिखा गया है कि जब हम उसकी 28 अध्याय पढ़ते हैं, पहला सैमुअल 28 अध्याय पढ़ते हैं और उसका 1 से 15 आय तक पढ़ते हैं, तो तब जब देखा कि अब राजा कौन बन गया है, दाऊद बन गया है, और उससे पहले जब उसके ऊपर से आत्मा उठ गया था, सैमुअल मर चुका था, सैमुअल क्या हो गया था, मर चुका था, और फिलिस्तीनियों ने इसराइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर ली थी, और दाऊद ने अकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। अकीश के ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। दाऊद को बोला गया, तू मेरे सिर का क्या होगा, रक्षक होगा। चरवाहा किसका क्या है, बोलो, रक्षक है। दाऊद की एक बार एक भेड़ को एक जंगली जानवर ने खा लिया और उसके पीछे भागा, आगे गया, उसका गला फाड़ के, मुंह फाड़ के क्या किया, उसकी भेड़ को साबत बाहर निकाल दिया। क्यों बोला, क्योंकि वो चरवाहा है। बोलो हालेलुया, वो अगुआ है, वो सच्चाई से आपकी अगुवाई करेगा, गुणों से आपकी अगुवाई करेगा, और वो आपको संभालने की ताकत रखता है। बोला तू मेरे सिर का सदा क्या होगा, रक्षक ठहरेगा। सैमुअल तो मर गया और समस्त इसराइलियों के विषय में शाती पीटी और उनके और उसको उनके नगर रामा मिट्टी दी गई, और साउल ने ओजा और बुद्धि सिद्धियों करने वालों को देश से निकाल दिया। एक समय आया, साउल ने जितने तांत्रिक जितने भी बाबे थे सबको अपने देश से बाहर निकाल दिया था। उसने बोला यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही खुदा है, वही सच्चा है, वही जीवित है, वही सब कुछ करने की ताकत रखता है। लेकिन जब अनॉइंटिंग उतर गया, उसे किसकी आवश्यकता पड़ी, उसे फिर आवश्यकता पड़ गई तांत्रिकों की, भूत निकालने वालों की, ओजा करने वालों की। लिखा उसने बोला, अब उसने बोला कि जब सब लोग मेरे खिलाफ उठ खड़े हो गए हैं, इनसे कैसे बचूंगा मैं, इसलिए मुझे इनसे बचने के लिए कुछ तो करना होगा। उसने अपने सिपाहियों को बोला, कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो टेवे लगाता हो, जो ज्योतिष जानता हो, जो ओजा करने वाला, जादूगर करने वाला हो, मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं कि क्या होने वाला है और क्या ना होने वाला है। तो वहां पर एक स्त्री उनको मिलती है जो साउल को सबको बताती है। उसने बोला, मैं कौन सी आत्मा तेरे लिए बुलाऊं जिसको चाहता है। उसने बोला, मुझे सैमुअल की आत्मा चाहिए। ये वही सैमुअल है जिसको इसने इग्नोर किया, बोला मुझे नहीं चाहिए पास्टर, मुझे चाहिए नबी, अब क्या जरूरत है। लेकिन अभी क्या हो गया, उसी की जरूरत पड़ने का, मरने के बाद भी उसको उसकी आवश्यकता पड़ रही है। अब जे ध्यान से घर में जाकर पढ़ना, पहले सैमुअल 28:1-15, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। खुदा के अभिषिक्तों को मरने के बाद भी इस्तेमाल करने की ताकत रखता है खुदा। बोलो हालेलुया, क्योंकि उसे मालूम था दुनिया में कोई ऐसा नबी नहीं है जो मुझे प्लसियों के हाथ से बचा सके, जीत ला सके। एक ही है, वो कौन है, सैमुअल, जिससे खुदा बात करता था, जिससे खुदा बात करता था, और वो चाहता था कि वो आज मुझसे बात करें, मुझे बताएं कि मैं कैसे जीत पाऊंगा और कैसे नहीं जीत पाऊंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर कि जब 15 आयत में गया, सैमुअल ने साउल से पूछा, जब सैमुअल की आत्मा वहां आई और सैमुअल ने साउल से पूछा तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया, मैं तो सो चुका था शांति में, मैं प्रभु की प्रेजेंस में था, तूने मुझे क्यों बुलाया और क्यों मुझे तंग किया, क्यों मुझे सताया। और वहां लिखा हुआ है, साउल ने कहा मैं बड़े संकट में हूं। मैं क्या हूं, सब बोलो, मैं बड़े संकट में हूं, मैं बड़ी दिक्कत में हूं, मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूं, मैं बड़ी परेशानियों में हूं, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञा नहीं मानी, मैंने तेरा इंतजार नहीं किया, इसलिए आज जिस संकट में पड़ा हूं उस संकट से मैं अपने आप बाहर नहीं निकल सकता हूं, कोई मुझे निकाल नहीं सकता है। अगर कोई निकाल सकता है सैमुअल नबी, वो स्वामी तू ही है जो मुझे संकट से बाहर निकाल सकता है।
मरने के बाद किसकी आवश्यकता पड़ी उसको? बोलो, सब बोलो। नहीं पता लगा? मैं पूछिया सैमुअल की लोड़ क्यों पई सौल नू, कदों पई, जो मर गया कारण की सी? उन्हें जूंदे जी नबी का आदर नहीं किया। उन्हें कहा अपा नबी बदल देने कोई गल नहीं, फिर क्यों गया? लेकिन बाप नू बदलना बहुत औखा है। हालेलुया। अगर आपका पिता आपको डांटे, क्या आप पिता बदल देते हो? आपकी मां डांटे, आप मां बदल देते हो? इवन जहां तक अगर आपके पेरेंट्स आपको बेदखल कर देना, तो भी आप घर के आसपास घूमते रहते हो, कहते नहीं मेरी वही मां है, मेरा वही बाप है। कलीसिया का इतिहास कहते जी मेरा स्पिरिचुअल फादर है, लेकिन डांटे तो चर्च छोड़ के बाहर। फिर कैसा फादर है? आप तो अनाथों वाला जीवन जी रहे हो। आपका कोई फादर ना प्रभु है ना ही चरवाहा है, क्योंकि आप तो उसकी डांट नहीं सह सकते। सौल को क्या बोला गया? तूने मेरे दिल को दुखाया है, इसलिए मैं तेरा मसा वापस ले रहा हूं, मैं तेरा राज लेकर दूसरे को दे दूंगा। क्या होगा मालूम? जो उसके पास था सब उसे छीन लिया गया। इसलिए चरवाहे को इग्नोर ना करें। परमेश्वर सब छीन सकता है आपसे, देने के बाद सब छीन सकता है, आपको कंगाल कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अजूब को देख लो। अजूब को परमेश्वर ने सबसे ज्यादा अमीर किया, लेकिन वो उसको उसने गलती कोई नहीं किया, लेकिन एग्जाम्पल दिया जो देता है वो वापस ले भी सकता है, वापस ले भी सकता है। और बच्चे कहता है, बोला मैं बड़े संकट में पड़ा हूं क्योंकि प्लसी मेरे साथ लड़ रहे और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। ये बहुत गंभीर चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप अपने कान खोल के सुनेंगे तो ये आपको भविष्य में काम आएगा। सैमुअल को छोड़ा इसने, किसने? सौल ने। अब क्या हो गया? परमेश्वर ने इसे छोड़ दिया, अध्ययन की से बाहर निकल गया, आज्ञाकारी से बाहर निकल गया। जब वो प्रभु ने उसे छोड़ दिया, बाइबल कहती है प्रभु ने छोड़ने के बाद क्या किया? उसके ऊपर खुद एक दुष्ट आत्मा भी छोड़ दिया। बोला जाओ अब धक्के खाओ, लड़ाई में जाओ, हार के आओ, तुम्हें मारने वाले बहुत आ जाएंगे, तेरे पुत्र मर जाएंगे। जहां लिखा हुआ है आगे जाके 28 में, 29 में, 30 में लिखा गया, जहां जहां दाऊद सौल गया उसका नुकसान 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 होता चला गया, क्योंकि परमेश्वर का मसा उसके ऊपर से उड़ गया था। बोला हालेलुया। मुझे, मेरे साथ एक बहुत एक भाई है जो मेरा, जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो नेपाली है, वो दिल्ली में रहता है। उसने मुझे कल कॉल की काफी समय के बाद, बहुत कुछ सीखता है मुझसे वो जब फोन करता है। तो उसने एक फोटो लगाई हुई थी, कुछ नबी थे विदेशों के प्रॉफिट्स, और उसने टाइटल दिया था सन ऑफ मेजर वन, एक बड़े नबी का बेटा। तो मैंने उसे बात की, मैंने बोला भैया आप इसे जानते हो? बोला नहीं। कभी बात हुई है? नहीं। वो कभी आपको मिला? नहीं। कभी किसी उसने अपने आपके सिर पे हाथ रखा? नहीं। तो तुम धोखे का जीवन क्यों जी रहे हो? तुम क्यों धोखे में पड़े हो? जो तुम्हें जानता ही नहीं है, जो तुम्हें जानता ही नहीं है, जिसने तुम्हें देखा ही नहीं, तेरे पे हाथ ही रखा, तेरे कुछ किया ही नहीं, तू उसका पिता बन के बैठा है, जो तेरा पास्टर उसको छोड़ के बैठा हुआ है, जिसने तुम्हें वहां से निकाला जब तू दलदल में पड़ा हुआ था, तेरे ऊपर दारू का एक बड़ा भूत था, तू कहता कि मैं बहुत नशा करने वाला था, झगड़ा करने वाला था, वो पास्टर ने तुम्हें उस गंदगी से बाहर निकाला और तू सन किसी और का बन के बैठा हुआ है। बोला जी वचन के बिल्कुल विरुद्ध में है, तू स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है, तू खुदा के सामने खड़ा होने के योग्य नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है हालेलुया, जे मत सोचो कि वो मुझे जानता है, वो जानता है, वो जानता है, नहीं, जे कहो मुझे कोई नहीं जानता, मुझे जीसस जानता है। बोलो हालेलुया। मुझे कौन जानता है? जीसस जानता है। मालूम क्या हो गया? उसको 12-13 हजार पर जॉब मिलती है वहां पर, कहां पर? होटल में काम करता है। कल बोला पास्टर जी मैं जहां आ रहा हूं मुझे आप चर्च में कोई भी काम दे दो, 2-3-4 हजार रुपए की जॉब, मैं आपके साथ रहना। मैं क्या, मेरे साथ क्यों रहना भाई?
जिसके जिसका तू बच्चा है उसी के पास जाओ, क्या कर उसी के पास जाओ। सच्चा चरवाहा मिलना बहुत मुश्किल है इस समय। झूठे तो रोड के ऊपर ऐसे जाते जैसे रोड के ऊपर गाड़ी जाते तिनके उड़ रहे हैं। कलीसिया को तोड़ना, बिगाड़ना, इकट्ठा करना, दैट इज नॉट ए रियल शेपर्ड। वो सच्चे चरवाहे नहीं है। आपको समझना है, आपको बचना है उनसे। वो बहुत सारी आपके अंदर वो अलग अलग धारणाएं शिक्षाएं लेके आएंगे, लेकिन क्या आप उनको समझ पाते हो, क्या उनको आप जान पाते हो। बाइबल कहती है केवल प्रीच करना काफी नहीं है, आपके अंदर प्रीच का असर कितना है वो होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं जब से मसीह में आया मेरा एक ही चरवाहा रहा, वो पासवे की जॉन, आज भी वही है। हमने संस्था छोड़ दी, मिशन छोड़ दी, लेकिन उनको नहीं छोड़ा। मालूम क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी उंगली किसने पकड़ी, चलना किसने सिखाया, उठना किसने सिखाया, लिखना किसने सिखाया, पढ़ना किसने सिखाया। मैं तो बोलने के योग्य ही नहीं था। आप लास्ट संडे सुना होगा मैं बहुत तेज बोलने वाला था, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे सोटी के साथ वॉलीबॉल 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 वॉलीबॉल। हम उन्हें नहीं बोल सकते कि उन्होंने मेरी उंगली को पकड़ करके मुझे चलाना शुरू किया। वैसे ही खुदा ने मुझे सहारा दिया, हम उसे छोड़ के कहीं भाग नहीं सकते। हालेलुया। आपके जीवन में बेशक बहुत बहुत बड़े बड़े पास्टर भी आ जाएं, लेकिन आप स्वर्ग में जाकर के झूठे साबित हो जाएंगे। आप क्या बोलेंगे, नहीं जी जी मेरा फादर है। बोले कौन सा फादर, तू तो अपने जन्माने वाले को भूल गया, जे इसके साथ कब तक रहेगा। विश्वासी को विश्वास में शैतान विश्वास जोग्या नहीं रहने देता। एक चर्च के साथ अच्छी संगति में उसे खड़ा नहीं रहने देता, क्योंकि उसकी अधीनगी वाली जो स्पिरिट है उसके अंदर उसने निकाल करके दुष्ट आत्मा घुसेड़ दिया हुआ है, ढाल दिया उसने कि जे तुम्हें तुम्हारी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा अगुवाई करता था पहले, लेकिन आज पवित्र आत्मा से लोग बेमुख होकर, मुझे लगता है ताली मारना पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा है। हाँ, ताली मारना अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा के गिफ्ट है, लेकिन उसके अंदर रहना कितना जरूरी है जे नहीं पता हमें। आमेन। जे नहीं पता हमें। अभी हाल ही में दो महीने कंटिन्यू मैंने काम किया एक सेवक की अधीनगी में। उन्होंने मुझे आज्ञा दी जे प्रोग्राम करने तक आपने जहां से हिलना नहीं। हम हिले नहीं, फैमिली थी, बच्चे थे, कई बार स्कूल में कोई जरूरी फंक्शन होते थे, सामान ठेके होता, लेकिन मैं वहां नहीं होता था तो सामान बच्चों को टाइम पर नहीं मिल पाता था, फंक्शन मिस हो गए। कितने फंक्शन सोफिया के मिस हो गए स्कूल से, क्योंकि वो सामान चाहिए था जो इनको देना था। लेकिन मैंने कमिटमेंट की थी दो महीने मैं आपके काम कर पूरा खत्म ना होने तक जहां से हिलने वाला नहीं हूं। अधीन की में रहने से परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर लेके जाता है। बोले हालेलुया हालेलुया। ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है। आज जे स्पिरिट खत्म हो चुकी है, जे स्पिरिट कलीसिया से खत्म हो चुकी है, सेवकों से खत्म हो चुकी है। कहते नहीं नहीं अब मुझे किसी की अधीन की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे जरूरत है, मुझे मुझे मैं आपको कहता हूं मुझे जरूरत है अधीन के मिलाने की, क्योंकि खुदा के दासों की ब्लेसिंग के द्वारा ही तो इंसान बड़ा होता है। बोला हालेलुया। कोई बच्चा बाप की मां की उंगली पकड़ने के बिना चलना नहीं सीखता। कोई है ऐसा बच्चा जो अपने आप खड़ा हो जाए और चलना शुरू कर दे? नो, बाप मां की वो उंगली पकड़ता है, फिर वो धीरे धीरे एक एक पांव उसके लड़खड़ाते पांव होते हैं, वो ऐसे टेढ़ा मेरा चलता है। जब गिरते तो बाप क्या करता, उंगली छोड़ता, उसका उसका गुट पकड़ता, उसकी बाजू पकड़ता कि वो गिर ना जाए। लेकिन चरवाहा सो ए लास्ट से पढ़ेंगे लुका 13:27-28 लास्ट आयत पढ़ के बंद करेंगे। लुका 13:27-28 आयत को पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ
जहां लिखा हुआ है लास्ट वचन में, परमेश्वर उन लोगों को जो अधीन की छोड़ के भागते हैं उनको लास्ट में कहेगा मैं तुम्हें यार इन्नी बंदगी की थी, इन्नी भक्ति की थी, है ना, घुटने टिकाए, उपवास किते, आराधना की, वचन दिता, सुनिया, दान दिता, है ना। हुण जिदा हुण क्रिसमस दे पर लोग कहते जी एक तो बसारत कढ़ो, बसारत करवाइया, चाह पियाई, पकौड़े पुआए, कई कुछ किया, खुदा कहता मैं तेनू जानता ही। बोलो की कहता मैं तेनू कमाल होगी ना। क्या हम सोच रहे हैं और प्रभु क्या सोच रहा है हमारे बारे में। पत्रस के पास जादूगर कहता है तुम पैसे ले लो, मुझे पवित्र आत्मा का गिफ्ट, क्योंकि जो काम तू करता है वो काम मैं जादू से नहीं कर सकता हूं, मुझे वो काम कर रहे हैं जो तू कर रहा है और मुझे वो गिफ्ट खरीदना है। प्रभु का गिफ्ट खरीदा नहीं जाता, प्रेज द लॉर्ड, वो तो मुफ्त में मिलता है, और किसे मिलता है, जो उसकी अधीनताई में चलता है। और वचन कहता है, बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर मेरा खुदा मुझसे आज ये बात कह रहा है, वो कहते हैं पैसे ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, मैंने बहुत इकट्ठा किया है, तू लेके मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, तू हाथ रख दे मेरे सिर पे। क्या बोला पत्रस ने, गुस्से बोला पत्रस, बोला ए तो खुदा के गिफ्ट को पैसे से, सोने से, चांदी से लेना चाहता है, बोला तू और तेरा सोना और तेरी चांदी और तेरा पैसा तेरे साथ क्या हो जाए, नाश हो जाए, क्योंकि तो परमेश्वर के गिफ्टों को कोई खरीद नहीं सकता है। ये तो प्रभु अपने चाहने वालों को फ्री में बांट देता है। आज मुझे समझना है, आपको समझना है, परमेश्वर क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं, उसका प्लान क्या है और हमारा प्लान क्या है। क्या हमारा प्लान यही है कि हम प्रभु के नजदीक आकर के पीछे मुड़ जाएं, सब कुछ प्राप्त करके पीछे मुड़ जाएं और कहें हमें वहां से कुछ नहीं मिला। खुदा कह रहा है जिससे ज्यादा दिया ज्यादा वापस लिया जाएगा, जो अनजाने में जे करे थोड़ी मार खा के बच जाएगा, लेकिन जो जान बुझ के करे वो ज्यादा मार खाएगा। क्या करेगा वो, सब बोलो ज्यादा मार। क्या करना, अपने आज्ञाकारी में रहना, जा जो लिया है वापस करना। मैं इस वचन को पढ़ने के बाद मैंने सोचा खुदा ने जितनी हमें ब्लेसिंग दी है वो सब उधार में दी है। फिर इसका मतलब क्या दिए, उधार में दिए ना। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं 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 मैंने जो ना प्राप्त किया मेरे बल से किया, मेरे पैसे से किया। नहीं, पैसे वाले बहुत जहां पर बैठे हुए कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु ने आपको प्राप्त करने का बल दिया, शक्ति दिया, इसलिए आपको घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको धन्यवाद करने की आवश्यकता है। बोला हालेलुया, आपको धन्यवाद करने की आवश्यकता है। उसकी अधीन गेताई में चलोगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे, उसके साथ उसके दाहिने हाथ बैठकर क्या करोगे, राज्य करोगे, न्याय करोगे। अगर उसकी अधीनगी से बाहर रह गए आप क्या करोगे, बाएं हाथ आ जाओगे और खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, हे कुकर्मियो। आप कहोगे प्रभु जी मैंने हाथ रखा, दुष्ट आत्मा चीं चीं कर दी बाहर निकल गई। बोलेगा उनसे निकली, तेरे अंदर तो बसी हुई है, तेरे अंदर तो आज भी है, पहले अपने अंदर से निकाल देन बात करूंगा। देखिए सऊल का शत्रु कौन बन गया था, बोलो यहोवा परमेश्वर। उसके ऊपर से आत्मा उड़ा, अभिषेक उड़ा, क्या आ गया था, किसने भेजा, सैमुअल ने नहीं भेजा, सैमुअल फिर भेजा था कि सऊल वापस आ जाए, लेकिन सऊल ने सैमुअल को बिल्कुल इग्नोर किया। फिर खुदा ने बोला नहीं अब मुझे कुछ करना होगा,
अब मुझे इसे पकड़ना होगा, अब मुझे इसको सीधे रास्ते पे लाना होगा। ठीक है, फिर सब खुदा ने उसके ऊपर क्या छोड़ दिया, सब बोलो। तो क्या होता था जब वो उसको आके तंग करता, कौन था? दाऊद आता था, क्योंकि दाऊद के और बसा हो गया था। दाऊद आके कहता था हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे ही दौड़ शुरू करता था, सौल का दुष्ट आत्मा छोड़ के बाहर, जैसे ही दौड़ वहां जाता था, क्या होता था? दुष्ट आत्मा वापस उसके अंदर, क्योंकि वो अपना घमंड नहीं छोड़ता था, अपना अपने आप को बदलता नहीं था। आज बदलने की आवश्यकता है। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर को झुकाओ, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं आज अपने आप को बदलना चाहता हूं, मैं आज तेरे हाथों में अपने आप को देना चाहता हूं।